हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 के एसी सर्किट चैप्टर का एसी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर। इससे पहले हमने देखा है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रेजिस्टर, उसके बाद में इंडक्टर, आज बारी है कैपेसिटर की। ठीक है, इससे पहले हमने जो रेजिस्टेंस में पढ़ा था कि जो रेजिस्टर है वो चाहे एसी हो या डीसी हो दोनों पे कुछ भी इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, वो एकदम इंडिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। वही जब हमने इंडक्टर लगाया था सर्किट के अंदर तो उसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से वो कुछ रिएक्टेंस डेवलप करता है, एक बैक ईएमएफ डेवलप करता है, और जो काम रेजिस्टेंस करता है सेम अपोजिशन करने का काम वो इंडक्टेंस का एक प्रॉपर्टी करती है जिसको बोलते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसके लिए फॉर्मूला देखा था, बाद में उस इंडक्टर के सर्किट में करंट और वोल्टेज मतलब ईएमएफ इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस रहता था, कौन आगे है कौन पीछे है, वो हमने देखा था, फेजर डायग्राम ड्रॉ करी थी, वेव फॉर्म भी ड्रॉ करे थे। आज सब कुछ वही करने वाले हैं, खाली आज सिर्फ हमारा कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, इंडक्टर जो है इंडक्टर की जगह पे कैपेसिटर लग जाएगा। जब सर्किट में हमारा इंडक्टर था तब हमें वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसका कंसेप्ट लगा था, यहाँ पे अपने वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला कंसेप्ट लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आपने कैपेसिटर पढ़ा है, पोलराइजेशन एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर का थोड़ा बहुत नॉलेज लगेगा तो वो मैं पहले बता देता हूँ। कैपेसिटर क्या होता है, तो कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो क्या स्टोर कर सकता है, उसके अंदर चार्ज स्टोर कर सकता है। लेकिन क्या है, जैसे जैसे उसके अंदर चार्ज स्टोर हो जाता है वैसे वैसे उसके अक्रॉस का ठीक है वोल्टेज भी बढ़ते जाता है। ठीक है, तो चार्ज स्टोर करने पे कुछ लिमिट होता है, हमारी जो बैटरी होती है ठीक है उसमें भी चार्जिंग का कुछ तो लिमिट होता है, 100% जब आ जाता है तब आप उसमें कितना भी चार्ज डालने की कोशिश करो उसके अंदर चार्ज जाता नहीं है, क्योंकि वो बैटरी सैचुरेशन स्टेट में आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका वोल्टेज रीच हो जाता है, उस बैटरी का वोल्टेज लिमिट रीच हो जाता है। तो कैपेसिटर का जो फॉर्मूला बनता है, कैपेसिटर इज द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर इन इट टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट और पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस इट। ये जो है ये है हमारा कैपेसिटर का फॉर्मूला। सही है, करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये तो जो पुराना है ये मालूम है हमको, ये भी लगेगा। ठीक है, तो आज जो है हमारे सर्किट में एसी सप्लाई हमने अप्लाई किया है किसको, कैपेसिटर को। एसी सप्लाई जो है ईएमएफ जो है उसको हम लिखते हैं इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग है, करंट की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। ठीक है, सब कुछ चेंज होते रहेगा। अभी हम क्या करते हैं, इस जो सर्किट है इसको मानते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। मतलब क्या, इसमें सिर्फ कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस कुछ है नहीं, रेजिस्टर कुछ है नहीं, कुछ भी रेजिस्टेंस है नहीं सर्किट में, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। लेकिन हमें आइडियल कंडीशन पकड़ के चल रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटर है, कुछ तो कैपेसिटी वाला उसका प्रॉपर्टी होगा, रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है। तो इस सर्किट को हम बोल रहे हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में वो सब कुछ देखेंगे जो प्योर इंडक्टिव के लिए देखा था। चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो अभी देखो ये जो है हमारा ईएमएफ जो है वो साइनोसॉइडल है और टाइम वेरिंग है। ठीक है, टाइम के हिसाब से चेंज होता रहेगा, और तो और पोलैरिटी भी चेंज होती रहेगी, प्लस माइनस। सही है, तो ये जो करंट है इसका भी वैल्यू ईएमएफ के वैल्यू के हिसाब से चेंज होते रहेगा, और ईएमएफ जैसे ही अपनी पोलैरिटी रिवर्स करता है इस करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो भी उल्टा हो जाता है। अगर पहले हाफ साइकिल में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट ऐसे फ्लो होगा। और एक सेकंड में कितनी साइकिल होती है नॉर्मली इंडिया में, 50 साइकिल्स, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है, तो 50 बार करंट ऐसा जाएगा, 50 बार करंट ऐसा जाएगा। सही है, तो कैपेसिटर में क्या होता है, इंडक्टर में क्या होता था, वो इंडक्टर में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता था, और उस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम बोलते थे बैक ईएमएफ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक चीज होती है जिसका नाम है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैसे, जब फर्स्ट हाफ साइकिल होगी तब करंट या चार्ज किसमें दिया जाएगा, कैपेसिटर में दिया जाएगा, और जब
सेकंड हाफ साइकिल होगी, ये दूसरी वाली हाफ साइकिल, इसमें क्या होगा करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा, मतलब कैपेसिटर में से करंट निकल के किस में जाएगा, बाकी सर्किट में जाएगा, सही है। तो पहले हाफ साइकिल में कैपेसिटर चार्ज हो रहा और दूसरे हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने के कारण कैपेसिटर क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये एक सेकंड में 50 बार कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग उसका होता रहता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना होना चाहिए कि कैपेसिटर का काम ही वही है, चार्ज कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज और डिस्चार्ज, खत्म, सही है। तो मान लेते हैं एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम टी पे, क्योंकि सब टाइम वेरिंग है, हमको कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पकड़ के चलते हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर टाइम पे ई है हमारा E0 साइन ओमेगा टी जो अप्लाइड है, और अभी हम क्या करेंगे आई निकालेंगे, आई की वैल्यू देखेंगे, कंपेयर करेंगे, फेस डिफरेंस वगैरह, फेजर डायग्राम वगैरह ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एट एनी इंस्टेंस टी ई जो है हमारा इतना है, और उसकी वजह से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई जितना करंट, जिसका एक्सप्रेशन अभी हमको मालूम है नहीं, निकालना। तो इस आई इतने करंट की वजह से क्या होगा, क्यू इतना चार्ज, जैसे ही करंट इधर जाएगा, करंट मतलब क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज फ्लो हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा, कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर होने लग जाता है, मतलब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है मान लो इस पे, ठीक है। तो कैपेसिटर कितने चार्ज से स्टोर हो गया, क्यू इतना चार्ज उसमें स्टोर हो गया, और जैसे जैसे चार्ज स्टोर होता है कैपेसिटर के अक्रॉस क्या बढ़ता जाता है, वोल्टेज भी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो अभी अभी हमने देखा सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सी वी। अभी यहां पे देखो, मान लो आई जो है हमारा वो है डी क्यू बाई डी टी, सही है, क्या है डी क्यू बाई डी टी, क्यू की वैल्यू हम सी इंटू वी डालने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी एट इंस्टेंट टी पे वी की वैल्यू क्या होगी, वी की वैल्यू क्या होती है, तो V की वैल्यू होती है ये जो E की वैल्यू है ना, E भी क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ठीक है, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में ज्यादा फर्क है नहीं। तो Q इज इक्वल टू हम क्या डालेंगे, C इंटू E, और ऐसा क्यों डाल सकते हैं, क्योंकि देखो इस सर्किट में कैपेसिटर को छोड़ के दूसरा कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो इसका जो भी जो भी वोल्टेज होगा ये पूरा का पूरा वोल्टेज इस पे अप्लाई होता है, ये पूरा का पूरा वोल्टेज इस पे अप्लाई होता है। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, डायरेक्शन अपोजिट होती है। किरचॉफ लॉ क्या बोलता है, एक क्लोज लूप में जितने भी ईएमएफ के सोर्सेस है उन सारे ईएमएफ के सोर्सेस की एडिशन करो, उसके बाद में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस है उनकी एडिशन करो, सारों का एडिशन कितना आएगा, जीरो आएगा, ये है किरचॉफ का लूप लॉ। यहाँ पे ईएमएफ कौन कौन है, ये E0 साइन ओमेगा टी, दूसरा ईएमएफ क्या है, दूसरा वोल्टेज है क्या किधर, तो जरूर है इसका वोल्टेज, ठीक है। तो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज ऐड करोगे तो आंसर आएगा जीरो, आंसर आएगा जीरो, ठीक है। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज और इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या है, दोनों वोल्टेज सेम होंगे, सही है। तो हमको वही लिखना है, ये जो V है V की जगह पे हमको क्या लिखना है, V की जगह पे हमको लिखना है E। तो यहाँ पे मैं लिख दू Q इज इक्वल टू C इंटू E, वेयर C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, C इज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड E इज अप्लाइड EMF, ठीक, I इज इक्वल टू इतना है, सही है। तो dQ/dt होता है। अभी मैं क्या करता हूं, ये जो चार्ज है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए है, एक क्या एकदम पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए है, ठीक है। तो Q जो है हमको मिला, Q मिला C इंटू E, तो Q जो है वो है E की वैल्यू में डाल देता हूं E0 साइन ओमेगा टी। अब भी करंट की डेफिनेशन हमने देखी, I इज इक्वल टू dQ/dt, मतलब क्या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब क्या करंट निकालने के लिए हमको चार्ज का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ddt ऑफ Q क्या है आपका, Q है ना, Q की वैल्यू डालनी है C E0 साइन ओमेगा टी। इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे सी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, E0 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा कॉस ओमेगा टी। अभी करंट
ये इक्वेशन है, ईएमएफ का इक्वेशन ए है, इन दोनों को कंपेयर करो, एक में साइन है एक में कॉस है, ढंग से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इस कॉस को मैं लिखता हूं आई इज इक्वल टू सी ई जीरो, कॉस को लिखता हूं, देखो अलग एंगल फॉर्मूले बोलते हैं उनको, साइन पाई बाय टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और दूसरा एक फॉर्मूला है साइन पाई बाय टू प्लस थीटा भी क्या होता है कॉस थीटा। अगर आपको अलाइड एंगल के फॉर्मूले ध्यान में कैसे रखना है उसकी ट्रिक अगर मालूम नहीं है तो मैंने इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, अगर वो वीडियो आप देख लोगे तो आपका ये अलाइड एंगल को रट्टा मारने का तरीका आप भूल जाओगे, आप सिर्फ देख के इसको देख के आप फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हो। उसके लिए ट्रिक मैंने एकदम शॉर्ट से बताई है उस वीडियो में, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जरूर देख लेना ताकि आपको फिर ये अलाइड एंगल फॉर्मूले रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है, तो ये दो चीजें हैं, तो इन दोनों में से कौन सा यूज करना। अगर मैं पहले ऐसा लिख दूं कॉस ओमेगा टी को साइन पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी, देखो कंपेयर करना सही नहीं हो रहा इसमें, पहले क्या है इसका ओमेगा टी, इसका ओमेगा टी क्या आ रहा है बाद में आ रहा है, हमको क्या चाहिए साइन के साथ में पहला जो है ना वो ओमेगा टी चाहिए ताकि फेस कंपेयर करना आसान हो। तो मैं क्या करता हूँ ये यूज नहीं करता ऊपर वाला, कौन सा यूज करता हूँ मैं नीचे वाला। सही है, तो इसको और ढंग से लिख सकते हैं सी ई जीरो, और एक में बात यहां पे भूल गया सॉरी, ये ई सी ई जीरो कॉन्स्टेंट है कॉस ओमेगा टी, और टी से जो चिपका हुआ है वो भी क्या है आपका ओमेगा भी उसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ओमेगा मैं भूल गया हूं अभी लिखता हूं, कंपोजिट है ना टी का चिपक के कौन है ओमेगा, तो ओमेगा टी का फिर से विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो कितना आएगा ओमेगा, तो यहां पे लिखना पड़ेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय। सही है, तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन मिला है हमको करंट के लिए वो एक्सप्रेशन है आपका ये होगा। तो करंट मैक्सिमम कब होगा, करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, सी कांस्टेंट है ई जीरो कांस्टेंट है ओमेगा भी कांस्टेंट है, आपकी करंट की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब आपका ये वाला मैक्सिमम होगा, मतलब साइन वाली टर्म मैक्सिमम होगी। साइन वाली टर्म मैक्सिमम कितनी होती है, साइन मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो साइन मैक्सिमम हो सकता है 1। तो साइन मैक्सिमम जब हो जाएगा तब आपका करंट मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम करंट को हम डिनोट करते हैं आई जीरो से। तो मैक्सिमम कब होगा करंट, जब ये साइन वाली टर्म 1 हो जाएगी, साइन वाली टर्म जब 1 हो जाएगी तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू आएगी इतनी, तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू होगी ये सी ई जीरो ओमेगा। सही है, तो यहां पे मैं लिखूंगा आई इज इक्वल टू ये सी ई जीरो ओमेगा की जगह पे मैं डाल देता हूं आई जीरो और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू ये है। अभी ईएमएफ का इक्वेशन और करंट का इक्वेशन दोनों इक्वेशन एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ईएमएफ जो है वो साइनोसॉइडल है, करंट केस में भी साइन आ रहा है तो करंट भी कैसा वैरी कर रहा है टाइम के हिसाब से, करंट भी साइनोसॉइडल ही वैरी कर रहा है। लेकिन एक बात है, साइन में इसके सिर्फ ओमेगा टी है, इसमें ओमेगा टी में पाई बाय टू एड है, मतलब क्या है करंट का एंगल ज्यादा है और ईएमएफ का कम है, और इसका मतलब क्या कितने से ज्यादा है पाई बाय टू से ज्यादा है, इसका मतलब है हमारा जो करंट है वो ईएमएफ से पाई बाय टू इतना एंगल आगे है, इतना एंगल आगे है। अगर ये ओमेगा टी 100 है तो ये 190 है, 90 डिग्री क्या है हमारा करंट ईएमएफ से आगे है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं करंट आगे है, मतलब करंट लीड कर रहा है, करंट लीड्स बाय पाई बाय टू रेडियन और 90 डिग्री, और बोल सकते हैं ईएमएफ पीछे है, ईएमएफ लैग्स बाय पाई बाय टू रेडियन और 90 डिग्री, किसमें हो रहा है ये हो रहा है कैपेसिटर में। सही है, इंडक्टर में क्या हो रहा था करंट पीछे था ईएमएफ आगे था, यहां पे उल्टा है करंट आगे है ईएमएफ पीछे है। सही है, इसमें बस हम इतना ही बता सकते हैं कि दोनों साइनोसॉइडल है, और इतना सारा जो है उसका तामझाम करके हमने बता दिया
कि करंट जो है वो करंट आगे होता है, ईएमएफ जो होता है वो पीछे होता है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है इतनी। ठीक है, अब ये जो चीज है वो हम फेजर डायग्राम से भी बताएंगे। ठीक है, तो फेजर डायग्राम कैसे निकलेगा, यहां पे निकालता हूं, आपको दिखेगा क्या? ठीक है, दिखेगा। देखो फेजर डायग्राम कैसे निकलेगी, ये एक्स एक्सिस एंगल जो भी लिखेंगे ओमेगा टी और ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, वो एंगल किसके साथ होगा, एक्स एक्सिस के साथ में, ये एक्स एक्सिस है। हम सबसे पहले ड्रा करते हैं ई जीरो को, ई जीरो की लेंथ बड़ी होती है, अभी बार बार बताने की जरूरत उसको है नहीं, क्योंकि ई जीरो को हम डिवाइड करेंगे तभी हमको मिलेगा। ठीक है, आर, देखो अभी क्या होगा, इसको और ढंग से लिख देता हूं मैं, इसको आर इज इक्वल टू ई जीरो अपॉन, देखो ये सी इंटू ओमेगा मल्टीप्लाई हो गए, मैं उसको अपॉन में कैसे लिखता हूं, ऐसे वन अपॉन सी इंटू ओमेगा, क्योंकि ये वन अपॉन जो है वो बाद में किधर जाना है, उसको ऊपर ही जाना है, लेकिन मुझे बाद में उसको, जैसे हमने इंडक्टर और रेजिस्टेंस को कंपेयर करा था, वैसे ही मुझे कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को भी कंपेयर करना है। तो मैं ई जीरो को नीचे, ई जीरो के नीचे इनको मुझे लाना है, डायरेक्टली तो नहीं ला सकता, तो कैसे लाऊंगा, वन अपॉन करके, तो वन अपॉन करके लेके आया मैं सी और ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, और इसको ये जो है आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, तो आई जीरो मतलब क्या, ये आई जीरो मतलब क्या, ई जीरो अपॉन वन अपॉन सी ओमेगा, ये आई जीरो और ये आई जीरो बिल्कुल भी फर्क नहीं है। ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड में कैसे लिखते हैं, डिवाइड में लिखने जाऊंगा तो वन अपॉन लिखूंगा, ताकि ये वापस ऐसा ऊपर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, कंपेयर करने के लिए मैंने ई जीरो अपॉन समथिंग लिखा है। ठीक है, लेकिन फिर भी ई एम एफ क्या होता है, ज्यादा होता है, करंट क्या होता है, हमेशा कम होता है। ई एम एफ कितना एंगल बना रहा है, ई एम एफ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ओमेगा टी जितना एंगल बना रहा है, इसका प्रोजेक्शन आप अगर इस एक्सिस पे लोगे, किस एक्सिस पे, अगर आप वाई एक्सिस पे लोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ई जीरो साइन ओमेगा टी, जो कि है इंस्टेंटेनियस वैल्यू इसकी ई एम एफ की। मालूम है ये ओमेगा टी है, ओमेगा टी की सामने वाली हाइट इतनी है, मतलब इतनी है, सामने वाले के लिए साइन फंक्शन लगता है, वो सब हमने देख लिया है। सही है, करंट देखो, करंट जो है वो 90 डिग्री आ गई, मतलब मुझे क्या करना है, इसको फिर से रब कर देता हूँ, मतलब मुझे क्या करना है, इस ओमेगा टी के भी आगे जाना है 90। तो आगे जाना मतलब कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो आगे जाना मतलब एंटी क्लॉकवाइज, आगे जाना मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से इसको 90 डिग्री एंगल बने, ऐसा एक फेजर मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, स्ट्रेट नहीं ड्रॉ हो रहा है, लेकिन करते हैं फिर भी ट्राई। अरे यार ये ठीक है चलेगा, ई जीरो से कमी होगी इसकी लेंथ, तो थोड़ी कम कर देते हैं, लेंथ हो जाएगी ये आई जीरो, और ये जो एंगल है, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ये बन जाएगी आपकी फेजर डायग्राम, ये है आपका E, ये है आपका R, इस तरह से EMF ओमेगा टी जितना एंगल बना रहा है, करंट देखो यहां से इतना ओमेगा टी है और यहां से इतना 90 है, तो ओमेगा टी है और 90 है, तो इस तरह से आपका फेजर डायग्राम बन जाता है। ठीक है, इसका वेव फॉर्म हम बाद में ड्रा करते हैं। ठीक है, पहले हम एक टर्म पढ़ लेते हैं, जिस टर्म का नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इंडक्टिव रिएक्टेंस, वैसे यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ेंगे, और जो चीजें हमने दो तीन चीजें थी इंडक्टर में छोड़ दी थी, उसको भी यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे कैपेसिटर का पढ़ते पढ़ते। ठीक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम देखते हैं बाकी चीजें। चलिए दोस्तों, अभी पढ़ते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में। अभी हमने पढ़ा E इज इक्वल टू क्या है, E जीरो साइन ओमेगा टी, और इस कैपेसिटिव सर्किट में क्या है, I इज इक्वल टू I जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, करंट जो है पाई बाय टू इतना आगे है, और आई जीरो की वैल्यू लिखी थी हमने, आई जीरो इज इक्वल टू ई जीरो अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। इसको अगर हम रेजिस्टेंस वाले से कंपेयर करें, तो रेजिस्टेंस में ई था ई जीरो साइन ओमेगा टी, और आई था आई जीरो साइन ओमेगा टी, नो फेज डिफरेंस, और I इज इक्वल टू आई जीरो की वैल्यू थी सिंपल E जीरो अपॉन R साइन ओमेगा टी। R क्या है, R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस कंपोनेंट।
ठीक है, रजिस्टर है, रजिस्टर्स रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, ठीक है। और ये आगे का छोड़ देंगे, ये जो पार्ट है आगे का पार्ट छोड़ देंगे, क्योंकि वो फेस से रिलेटेड है, फेस से रिलेटेड है। हमको किससे कंपेयर करना है, ये कंपेयर करना है, ये वाला, और एक कांस्टेंट कांस्टेंट वाला जो पार्ट है ना वो कंपेयर करते हैं। तो कैपा जो रेजिस्टेंस वाला सर्किट था, उस रेजिस्टर वाले सर्किट में जो काम रेजिस्टेंस करता है सेम काम कैपेसिटिव वाले सर्किट में ये वाली क्वांटिटी करती है। कौन सी क्वांटिटी, ये नीचे वाला जो ब्रैकेट है वो वाला, वन अपॉन ओमेगा सी। तो वन अपॉन ओमेगा सी मतलब क्या, इट इज द रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ करंट। मतलब क्या, कैपेसिटर ने ऑफर किया हुआ रेजिस्टेंस, तो कैपेसिटर ने ऑफर किया हुआ जो रेजिस्टेंस है उसको बोलते कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को डिनोट करते हैं एक्स सी से। कल देखा था हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम डिनोट करते थे एक्स एल से, यहां पे है कैपेसिटिव की वजह से सी डाल देंगे, सही है, एक्स सी। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला वन अपॉन ओमेगा सी, वन अपॉन ओमेगा की जगह पे डाल देंगे टू पाई, सही है। अभी इस फॉर्मूले को ढंग से देखो, एक यहां पर हम बोल देंगे कि एक्स सी इन कैपेसिटिव सर्किट इज एनालॉगस, इज एनालॉगस टू आर इन रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट में जो काम रेजिस्टेंस करता है करंट को अपोज करने का, सेम करंट को अपोज करने का ही काम कौन करेगा, हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस करेगा, जब सर्किट में कौन होगा, प्योर कैपेसिटर होगा तब, सही है। या फिर ठीक से देखो, जब डीसी होता है, डीसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी जीरो, फ्रीक्वेंसी जब जीरो होगा तो एक्सी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि नीचे जीरो है, वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो कितना हो जाता है, इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, जब इस कैपेसिटर को आप डीसी सप्लाई दोगे तो वो डीसी करंट को पास होने ही नहीं देगा। डीसी करंट को पास क्यों नहीं होने देगा, क्योंकि इसका अपोजिशन देखो ना, उसका अपोजिशन कितना है, इन्फिनिटी। तो कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर ब्लॉक करता है डीसी को, इसका बिल्कुल उल्टा। इंडक्टर क्या करता था, इंडक्टर के लिए था एक्सएल इज इक्वल टू टू पाई एफ एल, मतलब फॉर्मूला था उसका ओमेगा एल, अगर आपको याद होगा तो। तो फ्रीक्वेंसी जब बढ़ती थी तो इसका रिएक्टेंस बढ़ता था, फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो रिएक्टेंस बढ़ा, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी जो करंट होगा, हाई फ्रीक्वेंसी करंट को हमारा इंडक्टेंस ब्लॉक कर देता था और डीसी को पास कर देता था। क्यों, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो डाल दो, इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब इंडक्टर ने अपोज किया हुआ करंट को, ठीक है, इन द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर करंट को। अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है डीसी में तो कुछ भी अपोजिशन ऑफर नहीं करेगा इंडक्टर, सीधा डीसी को पास होने देगा। तो वही डिफरेंस है, कैपेसिटर जो है वो डीसी को ब्लॉक करता है, बट इंडक्टर जो है वो डीसी को आराम से पास कर देता है। उल्टा, कैपेसिटर एसी को आराम से पास कर देता है लेकिन डीसी को ब्लॉक कर देता है। जो इंडक्टर है हमारा वो एसी को ब्लॉक करता है, ठीक है। आप उसके रिएक्टेंस के ध्यान में रखने की जरूरत है नहीं, आप सिर्फ रिएक्टेंस के फॉर्मूले ध्यान में रखो दोनों के, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कौन किसको ब्लॉक करता है और किसको पास करता है, सही है। ब्लॉक डीसी एंड हम लिख सकते हैं पासेस एसी। अभी जो है इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या होगा, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला आपका रिएक्टेंस, दोनों का काम सेम है, दोनों का मतलब सेम है, तो दोनों के यूनिट भी सेम है। रिएक्टेंस कौन सा भी हो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो या इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, दोनों का यूनिट क्या है, ओम। जो यूनिट क्या है आपका रेजिस्टेंस का, सेम यूनिट रहेगा आपका दोनों रिएक्टेंसेस का, इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का भी। पिछले वीडियो में मैंने आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट नहीं बताया था, तो आप ध्यान में ले लो, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसका यूनिट भी क्या होता है, ओम होता है। डायमेंशन भी, जो रेजिस्टेंस के डायमेंशंस होंगे वही डायमेंशंस आपके रिएक्टेंस के भी होंगे, नया कुछ देखने का उसमें जरूरत है नहीं। और बाकी चीज जो बुक्स है वहां पे आपको रिएक्टेंस का डेफिनेशन दिया है, रिएक्टेंस कोई भी हो, एक्सी हो या एक्सएल हो, वो क्या है, यहां पे देखो
ये देखो इसको नीचे उतारता हूं मैं, आई जीरो इज इक्वल टू ई जीरो अपॉन ये वन अपॉन ओमेगा सी को मैं एक्स ही डाल दू, वन अपॉन ओमेगा सी को मैं एक्स ही डाल दू, तो एक्स इज इक्वल टू क्या ई जीरो अपॉन आई जीरो। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की डेफिनेशन आप बना सकते हो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की डेफिनेशन क्या, इट इज द रेशियो ऑफ पीक ईएमएफ टू द पीक करंट, वही डेफिनेशन सेम डेफिनेशन होगी, द रेशियो ऑफ पीक ईएमएफ टू पीक करंट किसके लिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए भी सेम सेम। अगर मैं ऊपर नीचे रूट टू से डिवाइड कर दू आई जीरो अपॉन रूट टू, ई जीरो अपॉन रूट टू क्या होता ई आर एम एस, आई जीरो अपॉन रूट टू होता आई आर एम एस, अभी रेशियो का मीनिंग चेंज हो जाता, रेशियो ऑफ इन आर एम एस ईएमएफ टू द आर एम एस करंट ऐसा हो जाता है। तो डेफिनेशन आप किसकी भी लो, रिएक्टेंस की डेफिनेशन, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों के लिए सेम है, पीक वोल्टेज और करंट का रेशियो और आर एम एस वोल्टेज एंड करंट का रेशियो दोनों के लिए सेम रहेगा, कुछ इतना ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आराम से हम निकाल सकते थे। तो इसका रेशियो क्या है, ई जीरो अपॉन आई जीरो फॉर्मूला और ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, इस तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा काम है वेवफॉर्म निकालना। वेवफॉर्म जब हम निकालते हैं तो सबसे पहले किसका वेवफॉर्म निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे वेवफॉर्म इसका, क्या बोलते हैं, वोल्टेज का। तो वोल्टेज को थोड़ा आगे रखते हैं यहां से, तो वोल्टेज क्या है हमारा, सिंपल ई जीरो साइन ओमेगा टी, ई जीरो साइन ओमेगा टी, ये पाई बाई टू है। ठीक है, उसके लिए लेकिन अभी रुक जाओ, अभी यहां पे देखो करंट आगे है, करंट हमारा आगे है, करंट आगे है मतलब करंट हमारा वोल्टेज से पाई बाय टू मतलब 90 डिग्री आगे, जब वोल्टेज जीरो है स्टार्ट हो रहा है तो हमारा करंट ऑलरेडी उससे 90 डिग्री आगे होगा, मतलब जब वोल्टेज जीरो है तब हमारा करंट ऑलरेडी जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच चुका होगा, मतलब हमारा करंट पीछे से स्टार्ट हो चुका होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो फिर भी जो करंट आगे है उसको बताने के लिए हम यहाँ पीछे से स्टार्ट करेंगे, करंट की जो होगी वैल्यू वो पीछे से स्टार्ट होगी, ये इधर जीरो जाते हैं अभी माइनस फाइव बाई टू इतना पीछे जाते हैं, और यहाँ पीछे से हम क्या करते हैं, पीछे से करंट का वेवफॉर्म स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट हुआ करंट ये गया ऐसा जाएगा, थोड़ा गलत ड्रॉ हो रहा है। देखो जब हमारा ओमेगा टी जीरो होगा, ओमेगा टी क्या होगा हमारा जीरो यहां पर, तो करंट हमारा कहां पर, इसमें करंट की वैल्यू में ओमेगा टी जीरो डाल दो, अगर ओमेगा टी जीरो डाल दिया तो ईएमएफ क्या हो गया जीरो हो गया, तो ओमेगा टी जीरो है यहां पे, फेज जीरो है तो क्या हो गया हमारा ईएमएफ जीरो, लेकिन करंट देखो आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ओमेगा टी जीरो है साइन पाई बाय टू कितना होता, साइन पाई बाय टू होता है वन, तो वैल्यू क्या होगी करंट की, ये पूरा वन आई इज इक्वल टू आई जीरो। तो जब हमारा ईएमएफ जीरो पे होगा हमारा करंट क्या पे होगा मैक्सिमम पे, लेकिन मैक्सिमम करंट वैल्यू जो है उसकी ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू जितनी नहीं हो सकती। ठीक है, करंट ये मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा है आई जीरो पे। ठीक है, वेवफॉर्म ढंग से ड्रॉ नहीं कर पाता हूं मैं, जब हमारा ओमेगा टी की वैल्यू होगी पाई बाय टू, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी पाई बाय टू, तो ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू होता है वन, हमारा ईएमएफ रीच हो जाएगा उसकी मैक्सिमम पे। लेकिन जब जैसे ही हम इधर पाई बाय टू डाल देते हैं ओमेगा टी की, तो पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू मतलब 90 180 180 हो जाएगा, साइन 180 जीरो हो जाता है, करंट क्या हो जाएगा जीरो। इसका मतलब जब ईएमएफ उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे रीच होगा तब तक करंट उसके मैक्सिमम वैल्यू से जीरो पे पहुंच जाएगा, जीरो पे पहुंच जाएगा, सही है। अभी नेक्स्ट क्या डालेंगे, ओमेगा टी की वैल्यू में डालता हूं ये है पाई, ओमेगा टी की वैल्यू डालो पाई, ई जीरो साइन पाई, साइन पाई होता है मतलब साइन 180 होता है जीरो, तो ये ई हो जाएगा जीरो, तो ई हो गया हमारा जीरो। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे पाई डाल देता हूं तो पाई प्लस पाई बाई टू मतलब 180 प्लस 90 होता है 270 और साइन 270 होता है माइनस वन, तो करंट अपने निगेटिव मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, करंट का मान लो ये निगेटिव वैल्यू इधर है। ठीक है, ये जब जीरो पे पहुंचेगा ईएमएफ तो करंट अपने निगेटिव मैक्सिमम पे,
करंट अपने नेगेटिव मैक्सिमम पे है, सही है। उसके बाद में वापस वो रिपीट करो, वापस ये जो मैक्सिमम पे जाएगा तब करंट मैक्सिमम से जीरो तक पहुंच चुका होगा ऑलरेडी, ठीक है। वापस ये जब जीरो पे जाएगा अपना करंट उसके मैक्सिमम पे जाने का ट्राई करेगा। तो एक ग्राफ करंट का इस तरह से बनेगा, दिख रहा होगा आपको, गुड, ठीक है। इस तरह से मतलब क्या है, ये देखो ये वाला ईएमएफ जीरो है, करंट ऑलरेडी जीरो से निकल के वन हो चुका, मतलब करंट आगे है। अगर आपको ड्रॉ करना है वेव फॉर्म इसके लिए, तो पहले ईएमएफ का वेव फॉर्म ड्रॉ करो, ईएमएफ के वेव फॉर्म से पाई बाय टू पीछे चले जाओ, पाई बाय टू पीछे जाके सेम फैशन में क्या करो, करंट का वेव फॉर्म ड्रॉ करो, हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। यहां से देखो कैसा जा रहा है, ऐसा ही जा रहा है वेव फॉर्म, और ये भी वेव फॉर्म कैसा है, ऐसा ही है, दोनों साइनसॉइडल है, दोनों सेम फैशन में है, ठीक है। लेकिन करंट को पाई बाय टू पीछे से स्टार्ट करो, ठीक है, तो आपको वेव फॉर्म बनाते आ जाएगा, सही है। तो दोस्तों ये था हमारा कैपेसिटिव इंडक्टेंस, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस वाला कांसेप्ट, जब हम कैपेसिटर को क्या लगा देते हैं, एसी वोल्टेज लगा देते हैं, सॉरी। तो डिफरेंस क्या है, जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन जब कैपेसिटर और इंडक्टेंस दोनों भी जब रेजिस्टेंस ऑफर करने लग जाते हैं करंट को, तो हम उसको रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस। इसका एक मेन वजह है कि जो रेजिस्टर होता है वो क्या करता है, आपके सर्किट को जो आपने पावर दी है ना, वो पावर हीट के फॉर्म में खा जाता है पावर। लेकिन ये जो है ना कैपेसिटिव रिएक्टेंस और अपना इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये पावर कंज्यूम नहीं करते हैं, ये पावर को कुछ नहीं होने देते, वो ऐसा अपोज करते हैं करंट को कि सर्किट को जितनी पावर प्रोवाइड करी है सप्लाई में, वो सप्लाई की कौन सी भी पावर वेस्ट नहीं होने देते। बल्कि रेजिस्टेंस में क्या हो जाता, रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस होके बाकी की जो एनर्जी है वो कंज्यूम हो जाती है लोड के अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर, वैसी एनर्जी इनके अंदर जो कंज्यूम नहीं होती। उल्टा ये क्या करते हैं, कैपेसिटर जो है वो भी एनर्जी स्टोर करके रखता है अपने अंदर, और जो इंडक्टर है वो इंडक्टर भी अपने अंदर कुछ एनर्जी स्टोर करके रखता है। तो ये बहुत मेन डिफरेंस है, रेजिस्टेंस पावर कंज्यूम करता है, रिएक्टेंस पावर कंज्यूम नहीं करते, जस्ट अपोज करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं है, एसी और डीसी के लिए सेम तरीके से बिहेव करेगा, लेकिन रिएक्टेंसेस जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी कम रही तो कैपेसिटिव जो है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा इसलिए वो डीसी को ब्लॉक कर देता है। तो ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, सही है। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों के रिएक्टेंसेस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, रेजिस्टेंस को कुछ फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस हीट के फॉर्म में पावर कंज्यूम कर जाता है, ये दोनों पावर कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो क्या, तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे है इंडक्टेंस, पहले जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्सएल का फॉर्मूला देखो 2πfL, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी आपका एक्सएल बढ़ेगा, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी आपका एक्सएल क्या है, आपका एक्सएल बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी आपका एक्सी क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी आपका एक्सी क्या होगा, कम होगा। इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही, फ्रीक्वेंसी के साथ एक्सएल बढ़ रहा, एक्सी क्या होगा आपका, कम हो रहा है। इस तरह से आप एक्सएल और एक्सी का ग्राफ भी ड्रा कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें मेरे ख्याल से और कुछ बताने लायक है नहीं एक्स्ट्रा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।